अट्रोवा 5 mg टेबलेट जो कि बनाई जाती है जाइडस कैडिला के द्वारा बनाई जाती है। अट्रोवा स्ट्रीम 5 mg रहता है और 128 रुपये का यह 15 गोली का पूरा स्ट्रिप रहता है। ये टेबलेट जो कि यूज़ होती है, बहुत सारे केस में इसको यूज़ किया जाता है। कार्डियक डॉक्टर इसको रिकमेंडेड करते हैं क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो जाता है तब हार्ट अटैक वगैरह आने का चांसेस होता है, तो उस केस में इसको रिकमेंडेड किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं इसका यूजर्स, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, कैसे यूज होता है, ड्रग कैसे काम करेगा, सेफ्टी एडवाइस क्या रखने का है, डोज मिस हो जाए तो कैसे लेने का और इसका सब्स्टिट्यूट कौन कौन सा अवेलेबल है, तो वो सब बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा ताकि आपको इस टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, मेडिकल स्टूडेंट और हेल्थ केयर स्टूडेंट के एजुकेशन पर्पज़ के लिए। तो कोई भी मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। एट्रोवा 5 mg टैबलेट जो कि बनाई जाती है जाइडस कैडिला के द्वारा बनाई जाती है। इसके अंदर दवाई की बात को तो अट्रोवास्टिन 5 mg रहता है, 128 रुपये का यह पूरा स्ट्रिप रहता है जिसमें 15 टैबलेट रहता है। ये टैबलेट जो कि एक स्टेटिक मेडिसिन है जो कि क्या करती है कि कोलेस्ट्रॉल को कम कर देती है, जिससे क्या होता है रिस्क कम हो जाता है हार्ट डिसीज़ का। कोलेस्ट्रॉल क्या रहता है कि ब्लड विजल्स के अंदर चिपक जाते हैं जिसके कारण ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता, जिससे हार्ट अटैक वगैरह आने का चांसेस होता है। तो ये टैबलेट कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अगर आप इस टैबलेट को ज़्यादा ले रहे हो, डॉक्टर की सलाह से नहीं ले रहे हो, कंटिन्यूसली ले रहे हो, तो कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि आपको डिस्पेंसिया हो सकता है, अबनॉर्मल पेन हो सकता है, इंटीगेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है, नोजिया हो सकता है, पेन हो सकता है। ये सब कॉमन साइड इफेक्ट है जो कि आपको हो सकता है। तो जब भी इसको ले तो डॉक्टर की सलाह से ले, डॉक्टर जितना डोज और ड्यूरेशन बोले उतना ले, तोड़ के वगैरह नहीं ले और इसका फिक्स टाइम और फिक्स डोज रखे ताकि बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो ये टैबलेट काम कैसे करती है, तो इसके अंदर दवाई जो डाली गई है वो लिपिड लोअर मेडिसिन है जिसको स्टेटिन बोला जाता है और ये ब्लॉक कर देता है एक एंजाइम को जिसका नाम HMG को रिडक्टेज एंजाइम से जो कि बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को बनाता है तो वो कम कर देता है और ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ा देता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है और जो बैड कोलेस्ट्रॉल रहता है उसको निकाल देता है। तो ऐसे काम करती है टैबलेट। तो इस टैबलेट के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पर पूछ सकते हो। चैनल पर और वीडियो पर पहली बार आप विजिट किए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।